यहाँ छोड़ के आ गए महात्मा को, दो किसको दिया? बता मेरे दादा को दिया। सकते हो? हाँ, धर्म के लिए आए, बस धर्म के लिए आए हो? अपना मुल्क अपना करते थे, बॉलिंग करते थे आप? ऑलराउंडर हाँ, ऑलराउंडर हो सच में? तो को भी मतलब बड़े टूर्नामेंट भी खेलते थे आप? आप मेट्रो बना दे पाकिस्तान, इधर से बॉर्डर, वाघा बॉर्डर दिया, खोल दे बस। अच्छा, बस अच्छा है, भारत है, अपना मुल्क है, अपना देश है, उसके लिए बस रात को चोर निकाल गए। अच्छा, तो फिर सरकार ने लगाया ही नहीं? नहीं लगाया। नमस्कार दोस्तों, हिंदू सम्मान फाउंडेशन की इस नई वीडियो में आपको स्वागत है। दोस्तों, नई फैमिली आज आई है पाकिस्तान से भारत, इनसे मिलते हैं, इनसे बात करते हैं। फैमिली बड़ी है दोस्तों, लार्ज फैमिली है, दो बेटे हैं इसमें, फादर मदर है, इनकी वाइफ से बच्चे हैं। मैं चाहता हूँ दोस्तों वीडियो को आप आखिर तक देखें। हम दोस्तों ये वीडियो क्यों बनाते हैं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं बता दूं दोस्तों कि हिंदू सम्मान फाउंडेशन एक सेल्फ रिस्पेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है हिंदुओं का। हिंदुओं का मतलब हमारे लिए सिख, जैन, बुद्धिस्ट एंड सारे हिंदू है। हिंदू में हम जात पात नहीं मानते। दो ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, हिंदू फॉर हिंदू। मैं चाहता हूँ देश विदेश का सारा हिंदू समाज हमारे संगठन से जुड़े, और संगठन इज कम्प्लीटली चैरिटेबल, कम्प्लीटली नॉन पोलिटिकल। तो इफ यू बिलोंग टू एनी पोलिटिकल इंक्लेशन, बट इफ यू आइडेंटिफाई योर सेल्फ ए हिंदू, यू बिलोंग टू HSF एंड HSF belongs to you। आइए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। दिस इज अवर टुडेज फैमिली। आइए सबसे पहले सबके नाम पूछते हैं। दीदी आपका क्या नाम है? राम देवी। राम देवी, क्या नाम है आपका? सतराम दास। सतराम। बच्चे का क्या नाम है? गजननाथ। गजननाथ, बहुत अच्छा नाम है। क्या नाम है सर आपका? व्यापारी नाम है। व्यापारी जी, अरे वाह, क्या बात है व्यापारी। और आपके दीदी क्या नाम है? गंगा। गंगा, बहुत पवित्र नाम है जी। आपका क्या नाम होता है जी? मदामी। मदामी, वाह। आपके भैया क्या नाम है? नारायण बाबू। नारायण। दीदी आपका क्या नाम है? राम प्यारी। राम प्यारी। इस प्यारे से बच्चे का क्या नाम है? दयानाथ है। दयानाथ। दोस्तों फैमिली से मिले आप, ये नाम तो मुझे आपके बहुत अच्छे लगे। क्या काम करते थे पाकिस्तान में? 8 एकड़ 10 एकड़ पोखते थे। 8 एकड़ 10 एकड़ पोखते थे। अच्छा, खेती बाड़ी करते थे आप? सारा परिवार पाकिस्तान से आया है कि कोई पीछे छोड़ तो नहीं गया? पीछे भी है, सारा परिवार भी आया, भाई बंधु पर है, छोटा है। लेकिन आपके अपने बच्चे तो आए हैं? अपने बच्चे आए। आपके बच्चों में से कोई तो नहीं छोटा? नहीं, कोई छोटा नहीं। पाकिस्तान में कहाँ रहते थे आप? टंडो आदम सांगड़ जिला। टंडो आदम सांगड़ जिला, ये कहाँ सिंध में पड़ता है? सिंध में पड़ता है। सतराम, सबसे पहले तो आप मुझे बताओ, ये जो टी शर्ट आपने पहनी है ये कहाँ की टी शर्ट है? ये टंडोआदम की, टंडोवा वाली की। ये वहाँ का कोई क्रिकेट का वो है क्या? क्रिकेट खेलते थे आप? बैटिंग करते थे, बॉलिंग करते थे आप? ऑलराउंडर। ऑलराउंडर सच में? तो उसको भी मतलब बड़े टूर्नामेंट भी खेलते थे आप? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आप क्या काम करते थे? खेती बाड़ी का। आपके पिताजी का खेती बाड़ी? कमाई मतलब ठीक होती थी आपकी? अच्छा, कुछ ठीक होती थी। नारायण भाई क्या काम करते थे वहाँ पे? मैं शॉपकीपर, दुकान चलाता हूँ। दुकान, किस चीज की दुकान? परचून की। परचून की। आप बताओ मेरे को व्यापारी जी, तो बेटा तो एक परचून की दुकान चला रहा था और आप खेती बाड़ी, और वो भी आपके साथ खेती बाड़ी। कितनी कमाई होती थी आपकी? बस पूरी सूरी हो जाती थी, महंगाई के पूरी सूरी हो जाती थी। लेकिन पूरी होती थी आपकी? तो घर आपका वहाँ पर पक्का था, कच्चा था, क्या घर था आपका? कुछ पक्का था। पक्का करता है? झोपड़ी थी। झोपड़ी थी, जमीन अपनी थी? ना ना, जमीन पर आई थी। जमीन पर आई थी। तो ये दोनों बेटे आपके साथ रहते थे कि अलग रहते थे? नहीं नहीं, इकट्ठे रहते। इकट्ठे रहते थे। आप बताओ माता जी, भारत पहली बार आए हो? पहली बार आए आप? हाँ। कैसा लग रहा भारत आकर आपको? सही है, ठीक लग रहा है। किसी ने आपको परेशान तो नहीं करा यहाँ पे? पक्का? अच्छा, मजे में रहते थे कि परेशान थे? बस उधर भी सही था, इधर भी सही है, वहाँ भी सही था। आप बताओ मेरे को भारत अगर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। आप पहली बार आए हो भारत? हाँ, बोल रही हूँ। अभी कितने दिन हो गए भारत आए हो आपको? 6-7 दिन। 6-7 दिन हो गए। कहीं घूमे आप? नहीं, घूमे नहीं है। आप बताओ मेरे को, आपके हस्बैंड क्रिकेट खेलते थे? हाँ। अच्छा खेलते थे? हाँ, अच्छा खेलते। आपने कभी देखा इनका मैच? नहीं, टीवी पर आता था मैच इनका? नहीं आता था। बताओ भारत आकर कैसा लग रहा है आपको? सही लग रहा। ठीक लग रहा आपको? ये जो आपने सिंदूर पहना है, टीका लगाया है, ये आपने अभी वीडियो के लिए पहना है कि आप वहाँ पे पाकिस्तान में नहीं पहनते थे? पाकिस्तान में पहनते थे, बाहर के अंदर? घर नहीं, बाहर। अच्छा, सच में? आप जब पाकिस्तान में रहते थे तो वहाँ पर कितने घर थे हिंदुओं के? उधर 100 घर थे। 100 घर? जी जी। और बाकी मुसलमानों के कितने घर थे उधर? हमारे पास तो नहीं थे, वो तो बड़ा था गांव मुसलमानों का। कितने परिवार वहाँ से भारत निकल के आए? 200-300 परिवार था। 200 निकल के आ गए, अब 100 बच गए।
आप बताओ मेरे को दीदी, जिस गांव में रहते थे आप, सब लोग भारत आना चाहते हैं? यस, सब आना चाहते हैं। सब आना चाहते हैं भारत। आपकी परचून की दुकान थी तो उसका क्या करा? उसका उधर देखे आगे किसको दिया? मासी का लड़का, उसको उसको दुकान दे दी। यही रहने आए हो कि घूमने आए हो भारत? रहने आए। रहने आए हो। ये जो सारा परिवार आप लेकर आए हो, दो भाई है, बेटिया को भी लेकर आए हो, तो वापस जाओगे कि यही रहोगे आप? यही रहो, यही रहेंगे। क्यों? बस अच्छा है, भारत है, अपना मुल्क है, अपना देश है। आपका आने में, यहाँ पे आने में हो गया 2 लाख? 2 लाख। आप कब से कोशिश कर रहे थे भारत आने की? 2 साल से। 2 साल से कोशिश कर रहे थे भारत आने की। आपके कितने बच्चे हैं? एक है। एक बच्चा है, तो एक बच्चा आपके भाई का। आप मेरे को बताओ, आपका जो वहाँ पर घर था उसका क्या करा? यहाँ छोड़ के आ गए। किसको दिया? मेरे दादा को दिया। अच्छा, आपको दादा को दे दिया, बाकी घर छोड़ के आ गए। घर में क्या क्या सामान था आपके? पंखा था, टीवी थी, लाइट नहीं थी। सच में लाइट नहीं थी? नहीं थी लाइट, नहीं काट दी थी लाइट। पाकिस्तान में अभी भी ऐसे परिवार है जहाँ पर पावर, बिजली नहीं है? परिवार है, बिजली नहीं है। कितने सालों से बिजली नहीं थी? 1 साल हो गए। बिजली नहीं थी पापा, लाइट में ट्रांसफार्मर निकाल गए। क्या वजह? बस रात को चोर निकाल गए। अच्छा, सच में? तो फिर सरकार ने लगाया ही नहीं? नहीं लगाया। नहीं, तो फिर अब 1 साल से बिना बिजली के थे वहाँ पर? बैटरी थी, इससे काम चलाते। तो अच्छा जी, आप बताओ, हमारी वीडियोस देखी है पाकिस्तान में आपने? जी हाँ, काफी बार देखी है। मतलब हम लोग पॉपुलर हो गए वहाँ पे यार। आप मेरे को बताओ, क्या मदद चाहिए आप लोगों को? जिग्गी चाहिए, घर चाहिए। हाँ, मेरे को बताओ व्यापारी जी, क्या मदद चाहिए आपको? हमारे को यही चाहिए, बाथरूम चाहिए, लाइट चाहिए, पानी चाहिए और घर चाहिए। आपके पास वहाँ पर लाइट नहीं थी, आपने कभी सरकार को लिखा नहीं वहाँ पर बिजली क्यों काट दी? लिखा था पर नहीं देता था। बस नहीं देते? सिर्फ आपकी कटी थी कि पूरे पूरे गांव के? पूरे गांव के। यहाँ पूरे गांव के, हिंदू भी मुसलमान भी सब उसमें? मुसलमान नहीं थे हमारे गाँव, खाली हिंदुओं का गाँव था। हिंदू हिंदू गाँव में बिजली कटी थी। कितने हिंदू घर थे वहाँ पर? 100-150 घरों हिंदुओं का बिजली काट दी। आपको ट्रांसफार्मर नहीं दिया? ये देख लो दोस्तों, ये भी सिस्टम है वहाँ पर, हिंदू में गाँव की कोई पूछ पाछ नहीं। आप बताओ, आपको क्या चाहिए? मेरे को जिद्दी दे दे, पानी का सुख दे दे, मेरी मरी हो क्या, जिसको मदद करे उनको। जिद्दी चाहिए, छोटी बच्चे है, छोटे बच्चे है। आप पैसे कितने लेकर आए हो? आप भी तो परचून की दुकान थी, कमाई तो करते होगे बहुत। ओ, बस पासपोर्ट चल गया, जैसे भाड़ा करके आ गए। असली वजह बताओ मेरे को, पाकिस्तान से भारत क्यों आए हो? धर्म के लिए आए। बस धर्म के लिए आए, अपना मुल्क है, अपना धर्म है। आप बताओ मेरे को गंगा, क्या हेल्प चाहिए आपको? हम उधर कपड़े सिलते थे, सिलाई करते थे, हम कमीशन चाहिए। आप लोगों ने हमारी वीडियो देखी है ना? हाँ। आपको लगता है कि मशीन चाहिए, तभी वही चीजें मांग रहे हो जो आपको लगता है कि मिल सकती है? कपड़े सिलती थी ना, कमीशन चाहिए। कपड़े सिलते थे आप? घर भी चाहिए। तो कुल मिलाकर तो व्यापारी जी, आपका परिवार तो मुझे खुश मिजाज लगा। पाकिस्तान में हिंदुओं की जो जिंदगी है बेहतर हो, आपको धर्म के लिए कोई तंग ना करे, भारत सरकार को या भारत के लोगों को, हम जैसे हिंदू जो यहाँ पर रह रहे हैं, वो आपके लिए कैसे मदद कर सकते हैं, ताकि जैसे भारत में मुसलमान रहते हैं खुशी खुशी, वैसे आप लोग भी वहाँ खुशी खुशी रहो। जैसे पाकिस्तान में गरीब घर बैठे हैं, उसके पासपोर्ट की सपोर्ट करो, यहाँ इस तरह उधर सपोर्ट करो, फिर इधर आ जाए। सही है, ये चाहते हैं आप? कोई आना चाहे तो उसको। जैसे आप लोग कितने भी आओगे, सारे तो नहीं आ पाओगे? नहीं, सब आ जाएंगे। सब आ जाएंगे। अगर हम चाहेंगे आप वही खुशी खुशी रहो, तो उसके लिए क्या करें? उधर तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो मेट्रो बना दे पाकिस्तान, इधर से बॉर्डर वागा बॉर्डर दिया, खोल दे बस। अच्छा, खोल दे। हाँ, पाकिस्तान में रहोगे नहीं आप लोग? हाँ, नहीं रहेंगे। हाँ? नहीं रहेंगे, चाहे कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, नहीं रहेंगे। अब भारत में भी तो देखो, भारत के मुसलमान रहते हैं, खुशी खुशी रहते हैं सारे। आप वो लोगों की जिंदगी वहाँ खुशहाल नहीं हो सकती? नहीं हो सकती है। आप बताओ मेरे गंगा, आपको भी लगता है कि पाकिस्तान में हिंदू खुश नहीं रह सकता? हाँ, कुछ नहीं रख सकते। अगर हम या भारत के हिंदू आप लोगों की हिमायत करें, पाकिस्तान पर दबाव बनाए, तब तो कुछ वहाँ पर आपकी जिंदगी में बेहतरी आ सकती है। आ सकती है। हाँ। लोगों ने मतलब इस बारे में कभी सोचा ही नहीं है कि आपकी जिंदगी वहाँ बेहतर हो सकती है? उधर नहीं सोचा? नहीं सोचा आपने? ऐसा हो ही नहीं सकता है। मतलब वो टेढ़ी दुमे वो लोग, उनका कुछ नहीं हो सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान के हिंदू ये मानते हैं कि पाकिस्तान में कभी भी इनकी ज़िंदगी में बेहतरी नहीं आ सकती, क्योंकि वो टेढ़ी दुम है। लेकिन दोस्तों, ये भी सच है
कि 78 ईयर्स में कभी भी भारत की तरफ से ऐसी कोई पहल ही नहीं करी गई कि हम इनकी एडवोकेसी ग्लोबल फोरम पे करें या जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ करें, भारत में इनकी एडवोकेसी करें, मेन स्ट्रीम मीडिया में इनकी एडवोकेसी हो। बांग्लादेश का भी आप हल देख ही रहे हो दोस्तों, उनकी भी कोई एडवोकेसी नहीं हो रही है। इस वेरी इंपॉर्टेंट हिंदू सोसाइटी कम्स फॉरवर्ड और हम इनके छोटे छोटे इश्यूज जो वहां पर हो रहे हैं उसके लिए हम आवाज रेज करें ताकि पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तानी सोसाइटी पर कुछ हम प्रेशर क्रिएट कर सके। और जो पाकिस्तान में प्रोग्रेसिव लोग हैं, प्रोग्रेसिव सोसाइटी दोस्तों पाकिस्तान में भी है जो वहां के डेवलपमेंट चाहती है, उनकी वॉइसेस को हम एम्पलीफाई करें। दिस फैमिली नीड सपोर्ट दोस्तों, कुछ भी लेकर आए नहीं है लेकिन अच्छी बात यह है कि ये परिवार सारा खुशहाल है और मुझे अच्छा लगा दोस्तों इनसे मिलकर। ये भारत में जो 5-6 दिन से आए हुए हैं एंड दे आर एंजॉइंग देयर स्टे हियर, वी आर इन सिग्नेचर ब्रिज कैंप, इनके पास कुछ भी नहीं है तो विल हैव टू अरेंज ए बैम्बू होम फॉर देम और कारोबार की व्यवस्था इनके लिए कुछ करनी पड़ेगी दोस्तों इन दोनों भाइयों के लिए। आई रियली वांट यू पीपल टू कम फॉरवर्ड टू सपोर्ट दीज फैमिलीज, ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो पाकिस्तान से भारत आए हैं, कुछ न कुछ हम भारत के लोग इनकी हेल्प करेंगे। प्लीज कॉन्ट्रीब्यूट HSF, HSF की अकाउंट डिटेल हर वीडियो डिस्क्रिप्शन में होती है, मेरा नंबर हर वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। इफ यू वॉन्ट टू मीट दिस फैमिली यू कैन कॉन्टैक्ट मी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, बाय बाय।